हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगी ब्लॉग। पुलाव तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। आज मैं प्याज को कैरमलाइज करके उसका पुलाव बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। तो चावल को मैंने एक घंटा पहले भिगा दिया है पानी में, अच्छे तरीके से दो तीन पानी धो के उसको भिगा दिया है। तो पुलाव बनाने के मैंने ये कढ़ाई ले लिया है, आप कोई भी कढ़ाई ले लो, पतीला ले लो। इसी में मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, और आप चाहिए तो आधा घी आधा तेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि जो ये पुलाव में बनाने जा रही हूँ ना, ये घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैं कहीं बाहर होटल में खाई थी, तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना वैसे ही पुलाव बनाया जाए। मैं सोची कि आप लोगों के साथ वो पुलाव मैं शेयर करती हूँ। 1/2 टीस्पून इसी में मैं जीरा डाल देती हूँ, और जीरा को अच्छे तरीके से चिटकने देती हूँ। मैंने एक हरी मिर्ची लिया, ऐसे स्लाइस में काटा है, आप चाहिए तो 2-3 हरी मिर्ची कर सकते हो, मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी। मैंने 3 बड़े बड़े प्याज थे ऐसे स्लाइस में मैंने काट लिया है, प्याज डाल दिया। गैस को मैं स्लो नहीं करूंगी, क्योंकि स्लो करने से प्याज पानी छोड़ देता है, और प्याज को ऐसे चलाते हुए मुझे ब्राउन कलर में कर लेना है, तभी तो वो कैरमलाइज होगा ना। तो इसलिए गैस को मैंने फुल पे ही किया है, फुल गैस करके इसको मैं ब्राउन कलर में तल लेती हूँ। अगर आप लोगों को ये पुलाव खाना है और प्याज का यूज़ नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जो मैंने जीरा मिर्ची डालने के बाद में प्याज डाल दिया ना, तो प्याज की जगह पे आप चीनी डाल सकते हो। तो मैंने जब पूछा उनसे ना कि आप इसको कैसे बनाते हो, मान लो जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए कैसे हम बना सकते हैं, तो उन्होंने वो यही बताया कि 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून क्वांटिटी के हिसाब से चीनी डाल के फिर आप उसको बना लो। इतना टेस्टी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि जो जीभ का स्वाद होता है ना, तो स्वाद तो मिल ही जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, हम तो प्याज खाते हैं, तो मैं प्याज वाला ही बनाऊंगी। देखिए फुल गैस पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, इसलिए प्याज के जो है ना लच्छे लच्छे एक एक इसकी जो पत्तियाँ होती ना, सारी अलग हो चुकी हैं, अब ये फटाफट ब्राउन हो जाएगा। और गैस को वही हम मीडियम या स्लो कर देते हैं, तो प्याज हमारा पानी छोड़ देता है, फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा, तो हमें वैसा नहीं करना है। तो देखिए मैंने प्याज को चलाते हुए फुल गैस पे इसको रोस्ट किया है, अब ये देखिए काफ़ी हद तक ब्राउन ब्राउन हो गया है ना, तो बस इसी तरीके का ब्राउन हमें करना था। ज़्यादा कुछ मसाले भी इसमें नहीं डलेंगे, इसमें मैं 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि जो पुलाव बना रही हूँ वो हल्का सा, जैसे हरी मिर्ची डाली हूँ तो उसकी वजह से तीखा हो जाएगा, और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से हल्का सा कलर आ जाएगा। तो बस, और कोई मसाले इसमें मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ये जो प्याज है ना, प्याज का पुलाव चाहिए, इसलिए इसमें मसाले मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं। तो इसी में मैंने 1 टेबल स्पून जितना फ्रोजन मटर लिया, ये मटर डाल देती हूँ। कोई भी पुलाव बनाइए ना, तो उसमें मटर थोड़ा सा डालने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं मटर डाली हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मटर अवॉइड भी कर सकते हो। तो जो चावल मैंने लिया है ना, मेरी ये स्टील की कटोरी, इसी कटोरी से एक कटोरी मैंने चावल लिया है, तो इसी कटोरी से मुझे 2 कटोरी पानी डालना है, कि चावल के डबल पानी डालते हैं ना। ये लीजिए, 1 कटोरी पानी डाल देती हूँ, एक और ले लेती हूँ, ये 2 कटोरी पानी डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया। अभी इसको चला देती हूँ, ताकि जो प्याज ऊपर साइड में लगे हुए हैं ना, सारे प्याज भी पानी में ही ऐसे मिक्स हो जाएं। अकॉर्डिंग में नमक डाल देती हूँ, पुलाव में नमक भी तो चाहिए होता है, नमक डाल के भी इसको मैं चला देती हूँ। इसको ऐसे कवर कर देती हूँ और इसमें एक उबाल आने देती हूँ। आइए चेक कर लेती हूँ पानी को, कि हमारे कढ़ाई में उबाल आ चुका है। जो मैंने चावल भिगा के रख दिया है ना, इसको इसी में डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी भी होगा। चावल डाल के इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, तो बस इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मटर भी देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। इसको ऐसे कवर कर देती हूँ और गैस को स्लो कर देती हूँ, स्लो गैस पे इसको मैं ऐसे पकने देती हूँ। 5 मिनट तक ये पक जाएगा, फिर आके मैं चेक करूँगी। 5 मिनट स्लो गैस पे पकते हो गया, मैं चेक कर लेती हूँ, एक बार चला भी लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना, इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डला है, जो प्याज को ब्राउन किया है ना, उसकी वजह से इतना प्यारा सा कलर आया है। तो ये पुलाव जो खाएंगे ना, किसी भी सब्जी के साथ खाएंगे तो टेस्टी लगेगा ही, और वैसे भी अगर खाते बिना किसी सब्जी के खाएंगे ना, तो ये थोड़ा हल्का मीठा मीठा सा आएगा, तो खाने में बहुत टेस्ट होगा। और देखिए पानी भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, कढ़ाई में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन अब चावल को मैं एक चेक कर लेती हूँ, पक चुका है कि नहीं, कितना पका है। ये चावल को इसी स्पैचुला में लेके इस तरीके से मैं चेक कर लेती हूँ, ये चावल हमारा बिल्कुल पक चुका है, और ये कितना खिला खिला सा है, और बहुत ही बढ़िया पुलाव बन के तैयार हुआ है। और इसका कलर देखिए, एकदम नेचुरल कलर आया है ना प्याज का, तो एकदम यमी सा बना हुआ है। अभी गैस को बंद कर देती हूँ,
और आपको चाहिए तो इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए, नहीं तो धनिया पत्ती भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप खाने के लिए सर्व कर दीजिए। तो मैं इसको खाने के लिए सर्व कर देती और इतनी खुशी मिल रही है ना कि मतलब कि ज़्यादा तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और फटाफट ये बन के तैयार हो गया और इतना टेस्टी लग रहा है देखने में कि मैं क्या बताऊँ आपको। देख रहे हैं एक एक चावल खिला खिला सा है, बहुत बढ़िया पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो बस अभी मैं इसको खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। मेरे पास ये ग्रेवी वाली सब्जी भी है तो मैंने ये सब्जी भी ले लिया है, इसके साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैरमलाइज ओनियन का पुलाव बना के तैयार किया, इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसमें कोई भी सब्जियां नहीं डली है, एकदम प्लेन सा है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।